और यहाँ पर भी मैंने एक जो चीज़ फील की है कि जो रिच और पुअर का डिफरेंस है, गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं आज किस तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। दादा कितना टाइम लग जाएगा टर्मिनल टू का? टर्मिनल टू का कितना टाइम लग जाएगा? मेट्रो का मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया मैं, बोले तो नींद खुल गया आधे घंटे पहले, नहीं तो पैकिंग भी नहीं हो रखी थी 9 बजे की फ्लाइट है, छूट जाती। एक तो इन दिनों में एक्सपो के कारण दुबई इतनी महंगी हो रखी है यार, हर जगह। बाकी टैक्सी मिलना भी इतना आसान नहीं है जितना पहले, तो लगभग हर 2 मिनट में चाहे सुबह टैक्सी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलती दादा, बहुत मुश्किल से टैक्सी मिलती है आजकल। पहुंच गए भाई, क्या टाइम हो गया था? 7 मिनट में पहुंच गए ना। चलो सही है यार, मुझे लग रहा था कि लेट हो जाऊंगा लेकिन टाइम पे पहुंच गए। दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, फ्लाई दुबई गोइंग टू वेयर सर? ढाका। ढाका दैट साइड सर। सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया था मैं, फ्लाइट थी 9 बजे की और 6:30 बजे तो मैं उठा ही था। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि जो मेरा होटल था ना वो कुल एयरपोर्ट के पास था, तो मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया था मैं, जल्दी चेक इन हो गया, सिक्योरिटी पास हो गया, एयरपोर्ट के ऊपर अभी ब्रेकफास्ट किया और अभी जो बोर्डिंग है वो भी चालू हो गई है। फ्लाइट बोर्ड कर लिया मैंने, पता नहीं यार शायद एक बंदा मिस हो रहा था और उस कारण से फ्लाइट लगभग 15 मिनट डिले हो गई ऑलरेडी, क्योंकि 9 बजे की फ़्लाइट थी और 8:56 हो चुके हैं। जैसे कि आप टाइटल में देखकर समझ गए होंगे, आज मैं जा रहा हूँ मेरी कंट्री नंबर 23rd या 24th, दैट इज़ बांग्लादेश। ढाका का एयरपोर्ट है, इधर बंगाली में, बीच में शायद अरबी या फिर उर्दू और उधर इंग्लिश में। थैंक यू। गाइस स्वागत है आपका एक और नई कंट्री के अंदर। इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, सिक्योरिटी पास हो गया है। हाँ जी मैं पहुंच गया हूं दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर, वेलकम टू बांग्लादेश। थोड़ी थोड़ी अपनी यूँ लग रहा है कि जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है ना वैसे सी फीलिंग आ रही है। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत दिन हो गए थे साउथ एशिया के अंदर घूमे हुए, साउथ एशिया इन द सेंस कि अपनी कंट्री मान लें, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मान लीजिए। ओ भाई एक रेस्टोरेंट, पहले तो भूख लगी हुई है शायद, अरे उधर रेस्टोरेंट है टर्मिनल के उधर, रेस्टोरेंट भारत उधर नहीं है, वो उधर छोटा मोटा कोई बाहर के इधर कितना दूर होगा? फास्ट फूड उधर है ना, फास्ट फूड है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और एक बात और, यहाँ पे 90% लोग या फिर 70% लोग हिंदी को समझते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है।
अगर मान लो कुछ ज़्यादा गाँव वाँव में जाऊँगा तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई नहीं, उसके लिए फिर एक नए लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम बांग्ला सीख लेंगे। कुछ ज़्यादा ही लोग हैं यार एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सब लेने आए हैं क्या, सीन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हिंदी आता है क्या? ये ऑटो वाले भाई साहब पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, जब बाद में मैं बोलने लगा मैं बंगाली तो आती नहीं है मेरे को, तो फिर हंस के आगे चले गए। ये है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से थोड़ा बाहर निकलूँगा। शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्ला मानुष। खाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया, मैं डायरेक्ट टैक्सी को ही पकड़ूँगा। भाई कितनी लंबी लाइन लग गई है, ये टैक्सी वाला भाई मिल तो जाएगा ना। 4589 नंबर है। आई सर 4589। अब ये नंबर समझ नहीं आएंगे, बंगाली में नंबर लिखे हुए, कौन सी कलर है, टोयोटा कर, अरे गाड़ी मिल जाए टोयोटा करोला, ये है क्या? कौन अभी आपकी गाड़ी रेड रेड गाड़ी है क्या सामने? चलिए दादा इधर से ही ले लीजिए। कितना टाइम लगेगा? घंटा, एक घंटा, घंटा ना बेशी है। तो ऊबर वाले जो भाई साहब वो आ गए हैं, मैं बाहर ही आ गया एयरपोर्ट के अंदर, तेरे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, बहुत टाइम लगता है अंदर जाने में। मैं आपका लोकेशन देके फिर अंदर इधर ही आ गया। दादा तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशु। दीपांशु, हाँ जी। सुंदर नाम है। सुंदर नाम है मुजीबुर रहमान ना? या या। बांग्ला बंधु। बांग्ला बंधु, बांग्ला बंधु। शाम को फिर उस भाई ने मुझे अपने होटल की तरफ उतार दिया था, एंड आज से मैं स्टार्ट करूँगा बांग्लादेश को एक्सप्लोर करना। तो आप लोगों की क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं बांग्लादेश के लिए, वो सारी की सारी नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अभी हूँ मैं ढाका में, मेरे जो प्लान्स बता देता हूँ आपको थोड़े थोड़े। एक मेरा प्लान है मिज़ोरम बॉर्डर के पास जाने का, फिर मेरा दूसरा प्लान है अपने मेघालय बॉर्डर की तरफ जाने का, फिर मेरा एक बार प्लान है आसाम बॉर्डर के ऊपर, वो जो चिकन कॉरिडोर पड़ता है ना, चिकन स्नैक बोलते हैं उसको, उधर जाने का भी प्लान है। और मेरा चिटागोंग हिल ट्रैक के ऊपर जाने का भी प्लान है, एक जहाँ पर शिप को डिसमेंटल किया जाता है ना, शायद आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि मोस्टली बांग्लादेश क्या करता है, जो शिप अपनी सर्विस से एक्सपायर होती हैं उनको बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है ना, उनको बांग्लादेश इम्पोर्ट करता है, उनको डिसमेंटल करता है, और बाद में फिर जो मेटल होता है उसको दोबारा रीसेल कर देता है। एंड तो ये कुछ जगह है जो मैं बांग्लादेश में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और बाकी आपको थोड़ा सा ये देखिए, दुनिया में आपको इतनी रिक्शास कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। भाई क्या क्रेज़ है यहाँ पे रिक्शाओं का। और यहाँ पर भी मैंने एक जो चीज़ फील की है कि जो रिच और पुअर का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है यार। ये बांग्लादेशी पुचका, ये लगेंगे अपने एकदम इंडियन गोलगप्पे जैसे ही, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये देखिए इसे पुचका बोलते हैं यहाँ पर, और ट्राई करूँगा लेकिन अभी नहीं, अभी मैं एक बार लंच करने जा रहा हूँ, थोड़ा हैवी लंच ले लूँगा ना, तो पूरे दिन में फिर मुझे बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे हो दादा? हेलो दादा, दादा एक हाफ चिकन बिरयानी। हाफ चिकन बिरयानी खाना है? कल रात को भी मैं इसी रेस्टोरेंट में खाने आया था और अभी भी, लेकिन रात को मैंने खाए थे चिकन कबाब, और अब मैं ग्रहण करने वाला हूँ चिकन बिरयानी। ये कच्ची बिरयानी क्या है? कच्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कच्ची बिरयानी।
मैंने सुना है कि जो बांग्लादेश की बिरयानी है वो अपने इंडिया और पाकिस्तान की बिरयानी से थोड़ी अलग है। इंडिया और पाकिस्तान की बिरयानी में तो मुझे ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी बिरयानी मैंने दुबई के अंदर ट्राई की थी तो ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है। लेकिन लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी बिरयानी के अंदर थोड़े स्पाइसेस अलग होते हैं और थोड़ा सा स्वीट टेस्ट होता है। ये किले की बॉर्डर देखिए आप, किले, और ये इधर बंगाली में लिखा हुआ है। कह तो अपनी हिंदी जैसा ही है लेकिन मैं पता नहीं अभी इसको कैसे प्रोनाउंस करता हूँ। दादा आप क्या बोलते हैं इसको, किले किले ये का की किले? ठीक दादा, दही होगा, दही दही होगा, दही रायता सलाद यही वाला, वो नहीं है ये आ गई अपनी चिकन बिरयानी। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगा यार। तो यह हो सकता है कि जो दूसरी नॉर्मल बिरयानी होगी ना उसका टेस्ट अलग होगा, ये तो एकदम अपने इंडिया और जो पाकिस्तान में बिरयानी मिलती है ना वैसे ही है। थैंक यू दादा, बाय बाय। तो ब्रंच कंप्लीट हो गया है मेरा। बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको बोलते हैं बांग्लादेशी टाका, और उसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट अपने इंडियन रुपीस के बराबर ही है। यूँ मान लीजिए 1 बांग्लादेशी टाका इज इक्वल्स टू 0.90 इंडियन रुपीस, ऑलमोस्ट बराबर है। थोड़ी सी कमज़ोर है बांग्लादेशी करेंसी अपने इंडियन करेंसी के अगर कंपैरिजन में। गाइस मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नई कंट्री के अंदर। भाई ठोकेगा ये। और जो जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा उन जगहों को कवर करने की भी। और जो मेरे माइंड में है जैसे सुंदरबंस, सिलियत, रंगामती, मिज़ोरम बॉर्डर के पास, वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास, और फिर ऊपर मेघालय बॉर्डर के पास, इन सारी जगहों को कवर करूंगा। और आपकी जो रिकमेंडेशन है वो भी आप मुझे बता देना। बस पीछे जो अंकल दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन ग्रीन, वो पुलिस वाले हैं और चालान काट रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की पब्लिक बसेस। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।